नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दुष्यंत द्विवेदी और आप इस समय हैं दुष्यंत रॉक्स चैनल पर। गाइस, आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए एक ऐसी मूवी का ट्रेलर रिएक्शन वीडियो जो बेस्ड है भारत के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी की डेथ मिस्ट्री पर। जी हां, मैं बात कर रहा हूं द ताशकंद फाइल्स की। विवेक अग्निहोत्री द्वारा डायरेक्टेड ये मूवी मल्टी स्टारर है। इसमें मिथुन चक्रवर्ती, नशीरुद्दीन शाह, कालीन भैया फ्रॉम मिर्जापुर, पंकज त्रिपाठी जी, मंदिरा बेदी, श्वेता बासु प्रसाद और भी कई सारे स्टार इसमें मौजूद हैं। गाइस, जैसा मैंने आपको बताया कि ये हमारे प्रधानमंत्री जो लाल बहादुर शास्त्री रहे थे उनकी डेथ मिस्ट्री पर बेस्ड है। उनकी मृत्यु 11 जनवरी 1966 को ताशकंद में हुई थी और इस पे काफी हो हंगामा हुआ था, क्योंकि ऐसा कहा गया था राइट विंगर्स के द्वारा कि उसमें कुछ छुपाया जा रहा है और उसमें तथ्य कुछ और थे। लेकिन जो बात सामने आई थी वो ये थी कि लाल बहादुर शास्त्री जी को रात को 2 बजे हार्ट अटैक आया था, जिसके कारण उनकी मृत्यु हुई थी। ये ऑफिशियल था, लेकिन इसके पीछे क्या था, कई बातें हैं, कई चीजें हैं, ये मूवी उसी पर बेस्ड है। और अब हम इसका ट्रेलर देखते हैं और फिर उस पर बात करेंगे कि इन्होंने मूवी में उन चीजों को कवर किया है, कैसे कवर किया, क्या ये मूवी पॉलिटिकल मोटिवेटेड है, क्योंकि जो इसकी टाइमिंग है रिलीज की वो ठीक चुनाव से पहले है। हम हाल फिलहाल में देखते आ रहे हैं कि कई सारी पॉलिटिकल मूवीज रिलीज हो रही हैं, जैसे कि हुई है प्राइम एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर रिलीज हुई थी, ठाकरे रिलीज हुई थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बायोपिक पीएम नरेंद्र मोदी 5 अप्रैल को रिलीज होने वाली है, और अब ये द ताशकंद फाइल्स। इसका ट्रेलर देखते हैं फिर इसके ऊपर बात करेंगे। दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी का दूसरा प्रधानमंत्री ताशकंद जाता है, वॉर ट्रीटी पर साइन करता है और मर जाता है। सैकड़ों सस्पिशियस होते हैं, लेकिन एक इंक्वायरी कमीशन भी नहीं बैठता है। शास्त्री जी मरे या मार दिए गए, ये इस देश के मुंह पे ऐसी कालिख है जिसे मिटाने की 50 साल में किसी सरकार ने कोशिश नहीं की। पिछले 5 सालों में भी ये कोशिश नहीं की गई। We want to know शास्त्री जी के साथ क्या हुआ था? Was it a heart attack or was it a state-sponsored murder? लोग सच नहीं, सच की कहानी सुनना पसंद करते। नाइस डायलॉग। शास्त्री जी का पोस्टमार्टम क्यों नहीं किया गया? उस दिन शास्त्री जी को उस थर्मस में दूध किसने दिया था? क्या उसमें जहर था? उन्होंने बजर या बेल दबाया क्यों नहीं? क्योंकि वहाँ बेल या बजर था ही नहीं। क्या इसके पीछे कोई साजिश? शास्त्री डाइड और पल्लवी जोशी, एवरीथिंग एल्स इज अ लाई। लाल बहादुर शास्त्री का केस हिंदुस्तान का सबसे बड़ा कवर। अरे शास्त्री जी क्या खुशखबरी लेके आ रहे थे? नेताजी सुभाष चंद्र बोस जिंदा। उस टेम्पल ऑफ डेमोक्रेसी में अटल बिहारी वाजपेयी जैसे वेटरन लीडर्स ने जुडिशियल इंक्वायरी की मांग की, तो वो मांग पूरी क्यों नहीं हुई? एक प्रधानमंत्री को जहर दे दिया जाता है, पार्लियामेंट पे अटैक हो जाता है, बॉम्बे में ब्लास्ट। कुछ मत बोलो, सेकुलरिज्म। इस कमेटी का मकसद सच जानना नहीं बल्कि एक झूठ क्रिएट करना है, क्योंकि सच जानने का करेज आप में से किसी में है ही नहीं। 125 करोड़ के लिए क्या सही है क्या गलत, ये चॉइस करने के लिए करेज की जरूरत होती है। लुथियंस दिल्ली पे कब्जा, यानी पूरे देश पे कब्जा। विजिट पाकिस्तान, विजिट केजीबी, सच क्या है? क्या वो कौन था जिसने भारत के माथे पे लिख दिया दैट इंडिया वाज फॉर सेल? अभी सिर्फ शास्त्री जी के बारे में, एक सिटीजन के राइट के बारे में, माई राइट टू ट्रू। सत्य और अहिंसा का देश है, ये गांधी और नेहरू का देश है। शास्त्री जी का क्यों नहीं? कौन कहता है कि मरे हुए पीएम से किसी का फायदा नहीं होता? गाइस, जो लोग पॉलिटिक्स को नहीं जानते उनको ये ट्रेलर काफी एक्साइट करेगा। अच्छा ट्रेलर है, काफ़ी बैकग्राउंड म्यूजिक अच्छा है, लेकिन जिनको थोड़ी सी भी पॉलिटिक्स की समझ है वो ये समझ जाएंगे कि ये एक पॉलिटिकल मोटिवेटेड फिल्म है।
विवेक अग्निहोत्री जो इसके डायरेक्टर है, हम जानते हैं उनके ट्विटर से देखें या उनके बयानों से देखें कि वो किसे सपोर्ट करते हैं, और वैसे ही ये मूवी लग रही है गाइस, क्योंकि इसमें फैक्ट्स को रखा गया है कि नहीं, ये फैक्ट्स हैं भी या नहीं, ना ये मैं तय कर सकता हूं, ना ये आप। एक बहुत अच्छा डायलॉग था इसमें, श्वेता बासु प्रसाद बोलती हैं कि वेटरन लीडर अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक इन्वेस्टिगेशन करवाने की मांग की गई थी, जिसे माना नहीं गया। गाइस, अटल बिहारी वाजपेयी जी 3 बार प्रधानमंत्री बने, एक बार 13 दिन के लिए, 13 महीने के लिए, 5 साल के लिए। क्या इन्वेस्टिगेशन तब हुई थी या केवल उन्होंने दूसरी गवर्नमेंट के टाइम पे ये मांग की गई थी? और पंकज त्रिपाठी एक डायलॉग बोलते हैं कि प्रधानमंत्री को मार दिया जाता है, पार्लियामेंट पे अटैक हो जाता है, 26/11 जो मुंबई का अटैक हो जाता है, कुछ मत करिए क्योंकि सेकुलरिज्म है। ठीक है भैया, अफजल गुरु को फांसी नहीं दी गई थी, कसाब को फांसी नहीं दी गई थी, तब भी सेकुलरिज्म के ढोल बजाए गए थे क्या? मैं ज्यादा कुछ बोल नहीं चाहता, लेकिन इट इज अ पॉलिटिकल मोटिवेटेड फिल्म और ये पूरी तरह पॉलिटिक्स से प्रेरित है। लेकिन अगर आप थ्रिलर में बिलीव करते हैं, थ्रिलर फिल्म देखना चाहते हैं, बैकग्राउंड म्यूजिक अच्छा लगा मुझे और स्टार कास्ट काफी अच्छी है, और विवेक अग्निहोत्री ने पल्लवी जोशी अपनी वाइफ को ही इसमें मौका दिया है, काफी दिनों बाद उन्हें कोई फिल्म में मौका मिला है आफ्टर द बीजेपी कैंपेन, जिसमें उन्होंने वो जो ताले की चोरी वाली बात कही थी, उसके बाद उन्हें अब कोई फिल्म मिली है, वो भी अपने पति की, तो ये अच्छी बात है, मौके दिए जाने चाहिए, इसी को तो भाई भतीजावाद कहते हैं। ये फिल्म बात कर रही थी ताशकंद फाइल्स की, जो 1966 की डेथ मिस्ट्री ऑफ अवर सेकंड प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री जी की। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में बताएं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वीडियो अच्छा लगे तो बेल आइकन को क्लिक करें। थैंक्स अ लॉट।